सावन प्यार नहीं, ये ठीक है, इसका भी ये भी मिक्स है, ये सारे मिक्स्ड हैं यहाँ तो। दुबई में क्या होता है, वो हर चीज का। ये हमने ले लिए हैं पान और ये है मुबीन का, एक आगे दे दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम लाहौर का फेमस टिक्का ट्राई करने जा रहे हैं और यूनिक सा नाम है उसका, सुरीला टिक्का के नाम से है। और अचानक बैठे बैठे हमें भूख लगी और अचानक वाला ये मिनी व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए शूट कर लिया है ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू भी शेयर कर सकूँ। तो हम जा ही रहे थे तो मैंने कहा चलें जी व्लॉग बना लेते हैं। और अभी तक मैंने जितने भी खानों के व्लॉग शेयर किए हैं बिल्कुल ऑनेस्ट आप लोगों के साथ रिव्यूज़ दिए हैं, मैंने कहा यहाँ का भी ऑनेस्ट दे देते हैं। और जनाब हम पहुँचने वाले हैं और ये शॉप है सुरीला टिक्का कॉर्नर के नाम से, और इस तरह से ये बाहर से दिखती है। मैंने गाड़ी में से ये क्लिप शूट किया है, अब मैं थोड़ा सा बाहर निकल के भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या आइटम्स इनके पास बन रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर देख लें, सीख कबाब बन रहे हैं और चिकन मलाई बोटी बन रही है और ये ग्रिल्ड फिश बन रही है, उसके अलावा चिकन निबलेट्स हैं इनके पास। तो अब मैं खा कर आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना इनकी आप लोग खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार हैं, और कौन सी मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे क्या यानी कि जितने हम लोग थे हम सब में से किसी को भी वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी और कौन सी चीज़ें बहुत बेस्ट थी, बेहतरीन थी। तो जनाब भूख लग रही है काफ़ी ज़्यादा और अचानक बस बैठे बैठे हम चल पड़े हैं और ये मैं गाड़ी में से शूट कर रही हूँ, खाना आने वाला है हमारा और जनाब ये आ गया है खाना। तो इसमें आ जाते हैं, सीख कबाब हमने ऑर्डर किए हैं, इनकी हमने मशहूर मशहूर चीज़ें ही ऑर्डर की हैं जो इनकी फेमस हैं। तो जनाब सीख कबाब हैं, चिकन निबलेट्स हैं, उसके अलावा चिकन मलाई बोटी है, ग्रिल्ड फिश भी है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर की थी, मैं आपको वन बाय वन करके बताती हूँ। तो नंबर वन पे इनके जो हैं वो चिकन निबलेट्स बहुत मज़ेदार हैं, मलाई बोटी बहुत अच्छी है नंबर टू पे, और उसके बाद कबाब, सीख कबाब जो हैं वो बस नॉर्मल हैं, मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, मतलब हम में से किसी को भी इतने अच्छे नहीं लगे। और नंबर फोर्थ पे जो थी फिश हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि फ़िश थोड़ी सी स्मेली थी, पता नहीं क्यों, टेस्ट ठीक था लेकिन अच्छी नहीं लग रही थी, स्मेल थी उसमें। तो ये मलाई बोटी बहुत यम्मी है यार, ये मैं इसकी बाइट बना के भी आप लोगों को दिखाऊंगी, काफ़ी मज़ा आया था मलाई बोटी खाने का, और निबलेट्स तो बेस्ट थे। तो साथ इन्होंने रायता भी दिया था हमें और हमने सिंपल सादा नान मंगवाए थे। तो जनाब ये देखें इसकी बाइट, बड़ा मज़ा आया। और अब आगे सॉन्ग सुने इसका सुरीला का। प्यार में मेरे लूं लूं चीख पुकार दे, मेरे लूं लूं चीख पुकार दे, वो कदिया मिल सांवल प्यार वे। ये मुझे जाकिर टिक्का देखें, वो किधर कहाँ जाऊँ, वो सामने है इधर से सीधा, हाँ, वो जो सड़क थी, हाँ जी, ये जैसे ये गाड़ियाँ जा रही हैं, वो आगे मरी मुर्गी वाला है, वो अंदर तुम्हारा मछली वाला, इसको मरी मुर्गी वाला, मरी मुर्गी आपकी मुर्गी वाली, यहाँ से ये इधर से मैं मुर्गी लेके जाती हूँ, ये मुर्गी वाला हाँ, और अंदर वो मछली वाला, अंदर मछली वाला, ये मेरी फेवरेट जगह, इसकी क्या नर्सरी है। यहाँ पर हम अजील ड्राई फ्रूट की शॉप पर आ गए हैं और यहाँ पर देखें कितनी नफासत से उन्होंने सब चीज़ों को रखा हुआ है। और यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट की तमाम वैरायटी मिल जाएगी और साफ़ सुथरे और बहुत ही नफीस अंदाज़ में इन्होंने यहाँ पर देखें कितने खूबसूरत जार्स में रखा हुआ है और बहुत प्यारा माहौल है अंदर का। तो मैंने कहा यहाँ का क्लिप आप लोगों के लिए लाजमी शूट करूँ क्योंकि बहुत माहौल बहुत खूबसूरत है अंदर का और नफासत से बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं उन्होंने। और यहाँ पर देखें खजूरों की आप लोगों को तमाम किस्में मिल जाएंगी यहाँ पर, और पैकिंग उन्होंने कोई ख़ास कमाल करके रखी हुई है हर चीज़ को बड़े तरीके से। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर हर तरह के लगे हुए हैं, ये देखें पैकेजिंग चेक करें आप इनकी, बस मुझे तो इनकी पैकेजिंग बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने कहा यहाँ के क्लिप्स भी शूट करते हैं। क्या क्या है, बादाम, पिस्ते, अखरोट, हर चीज़ है। तो आप चेक करें, यहाँ से हमने शहद और खजूरें वगैरह ख़रीदी थी और उसके बाद यहाँ पर देखें रेवड़ियाँ भी रखी हुई हैं, पत्ती भी होती है, ग्रीन टी भी होती है, पता नहीं कौन कौन सा कहवा भी होता है यहाँ पर,
यानी कि आप लोगों को काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, बादाम, अखरोट और पिस्ते वगैरह यहाँ पर देखें, बादामों की किस्में और ये अखरोट हैं। तो बस यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली, अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और आगे जाके अब हम यहाँ से जाने लगे हैं सीधे। कहाँ जाएंगे हम? खाएंगे पान। अब ये देखो, अब हम आ गए हैं खाना, अच्छा खाना खाने के बाद हम पान ना खाएं ये हो नहीं सकता। जेडी से चार पान ले आओ नीचे, हम नीचे। इनके पास कोई और वैरायटी का पान नहीं होता? कोई बात नहीं बेटे, वो ले आएगा तो किसी और किस्म का सौंफ खुशबू वाला पान नहीं होता इनके पास? वो कड़वा होता है पागल, कड़वा होता, पर वो अच्छा होता है। मीठा वाला है तो बहुत ही मीठा। आगे दे दो। कितने देने मैंने आपको? तो जैसे हमने खाने का रिव्यू किया, अब हम जेडी का पान खा रहे हैं तो इसका भी पोस्टमार्टम कर डालते हैं। तो जनाब, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेवे भरे होते हैं, आप देख लें किस कदर मेवों से भरा है। और इसकी जो अच्छी बात नहीं लगती मुझे वो ये है कि यार ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, पूरा नहीं खाया जा सकता, एक टाइम पर बहुत हैवी लगता है। तो ये मैंने हाफ़ खा लिया और अब हम घर की तरफ रवाना हो गए हैं, अब हम घर जा रहे हैं, बस अब हमने खा पी लिया। तो ये था आज का व्लॉग, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। बना दो।